नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के खाजरौद शहर में अवैध अतिक्रमण पर उच्च अधिकारी व नगर पालिका कार्यवाही करने में बेबस नजर आ रही है। खाजरौद के कन्याशाला स्कूल के बाहर भी व्यापारियों ने अवैध रूप से कब्जा जमा लिया। भारी भरकम सरियों का जखीरा और पुराने वाहनों का अड्डा बना रखा है, जहाँ पर गंदगी का अंबार व नालियों में जमा कचरा बदबू मारने लगा है। रात्रि में दुकानों व पुराने वाहनों की आड़ में बदमाशों का जमावड़ा भी रहता है। मुख्य रास्ते मार्ग पर स्थित कन्याशाला स्कूल में छात्राओं के आने जाने की सुरक्षा में अवरोध पैदा कर रहा। वहीं बता दें कि स्कूल की बाउंड्री वॉल के बाहर दुकानों व पुराने वाहनों और तीखे सरियों के जखीरे से रास्ता अवरुद्ध होने से छात्राओं के आने जाने की समस्या रहती है। वहीं रास्ते पर अतिक्रमण से नगरपालिका और ठेकेदार रोजाना रास्ते की बैठक ले रहे हैं और अतिक्रमणकर्ताओं को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें छात्राओं की सुरक्षा का जरा भी ख्याल नहीं आया। बता दें कि कन्याशाला स्कूल की पूरी बाउंड्री वॉल के सहारे और रास्ते के दोनों ओर अतिक्रमणकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है। ऐसी मार्ग से सभी शहर व तहसील के सभी अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन किसी का भी इस ओर जानकर या अनजाने में भी ध्यान नहीं जाता। कोई भी अधिकारी खाजरौद शहर के सौंदर्य को तार तार करने वाले अतिक्रमणकर्ताओं पर कार्यवाही करने में क्यों हिचक रहा है, जो शहर के यातायात को बाधित कर रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सभी अपना अपना हित साधने में लगे रहते हैं। वहीं स्कूल बाउंड्री के बाहर अतिक्रमण की जानकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीसी शास्त्री ने कहा कि नगर पालिका सीएमओ को जानकारी देकर शीघ्र हटवाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पूर्व में चबूतरे चौराहे और कब्रिस्तान के रास्ते पर अवैध घुमटियों के द्वारा अतिक्रमण पर नोटिस देकर पल्ला झाड़ने में लगे हैं, लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे अन्य कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सके। खाजरौद से मुरलीदास बैरागी की खास खबर। और भी खास जानकारी के लिए देखते रहिए डीवी न्यूज़।